वर्ष उन्नीस सौ उनतीस में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के कार्यकारिणी को सभी सभी नए अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया फरवरी उन्नीस सौ तीस में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया महात्मा गांधी के साथ अठहत्तर अनुयायियों के ने साबरमती आश्रम से दांडी जो गुजरात के नवसारी में है तक दो मील की यात्रा की और 24 दिन के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन किया और देश भर में यह आंदोलन शुरू हो गया गांधी जी ने यंग इंडिया के माध्यम से बायसराय के समक्ष ग्यारह सूत्री मांगे रखी छ अप्रैल उन्नीस सौ तीस को दांडी में नमक कानून भंग किया और सविनय एवंगय आंदोलन का शुभारंभ किया सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस अभियान की तुलना नेपोलियन के अलवा से रिस की ओर जाने वाले अभियान तथा मुसोलिनी के रोम मार्च से की एक अंग्रेजी समाचार संपदाता विल्स फ्रोड ने खिल्ली उड़ाकर कहा कि क्या सम्राट को एक केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है इसके उत्तर में स्टेट्समैन समाचार पत्र ने कहा गांधी महोदय समुद्र के जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि डोमिनियन स्टेट से नहीं मिल जाता श्री राजगोपालचारी ने तमिलनाडु में तट पर गोड आश्रम से त्रिचरापल्ली के बेदरायन तक नमक यात्रा किया उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफर खान जिसको सीमांत गांधी भी कहा जाता था इन्होंने किया उनके नेतृत्व में खुदाए खिदमतगार या लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया उन्होंने पख्तून नामक पत्रिका का प्रकाशन किया दांडी मार्च में शामिल होने वाले सत्याग्रहियों की संख्या सबसे ज़्यादा गुजरात में थी इकतीस और बिहार में एक जो गिरिधारी चौधरी तथा तो बंगाल में भी एक चंद्र दास था महात्मा गांधी ने दांडी में आए सभी देशी व विदेशी पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ ने अवज्ञ आंदोलन के दौरान धरसना नामक गोदाम जो महाराष्ट्र में है में गांधी जी को पाँच मई उन्नीस सौ तीस को गिरफ्तार जेल भेज दिया गया गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद उनके स्थान पर अब्बास तैयबजी आंदोलन के नेता हुए तथा तो उनकी गिरफ्तारी के बाद सरोजनी नायडू सरोजनी नायडू ने 1930 को धरसाना नमक गोदाम का धावे का नेतृत्व किया पुलिस के अत्याचार को देख अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर ने कहा मैं इतना कष्टदायक अत्याचार कभी नहीं देख देखा था इस आंदोलन के समय बच्चों की बानर सेना व लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया था सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्ते भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर तथा नागालैंड में यदु नाग नागा के नेतृत्व में जियाल रंग आंदोलन चलाया गया बाद में इस आंदोलन का नेतृत्व नागा जाति नागा जाति की महिला नेलियो ने इसका नेतृत्व प्रदान किया नेलियो को जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दी दिसंबर १९३० में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में चौकीदारी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शनकारियों ने बंदूक से सताईस बार छर्रे दागे जाने की परवाह नहीं की सविनय अवज्ञा आंदोलन के असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया अक्टूबर उन्नीस में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजन का उत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीतिक से स्वयं को हटाने का निश्चय किया सितंबर उन्नीस में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया प्रभा देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी पटना स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया इन महिलाओं में सरला देवी प्रभावती राजवंशी देवी सुनीता देवी तथा राधिका देवी प्रमुख है प्रभावती देवी पटना की स्वतंत्र संग्राम की सेनानी थी सभी ने अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम को बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था सभी ने अवज्ञा आंदोलन जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ हुआ मणिपुर से सन उन्नीस सौ तीस में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था चंद्र सिंह गढ़वाली लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था अंग्रेजों को निकालने के लिए गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमत आश्रम में ठहराया था यह बेब मिलर था अट्ठारह वर्ष में असंख्य नागरिक विद्रोह देखे हैं दंगे नली कूचों में मार काट एवं विद्रोह देखे हैं। लेकिन धरसाना जैसे भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था कथन बेब मिलर का है दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ बेब मिलर था अचार विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए सभी नए अवज्ञा आंदोलन में नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया अब्बास तैयब जी इस सत्याग्रह में गांधी जी की गिरफ्तारी सोलापुर में हुई तत्पश्चात आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी के हाथों में आ गया इस आंदोलन में स्त्रियों ने भी अपनी भागीदारी दी नमक सत्याग्रह में इसको सभी नए अवज्ञ आंदोलन कहा कि उसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक रही सभी नए अवज्ञ आंदोलन में बिहार से गरीब धारी चौधरी बंगाल से दुर्गेश चंद्र दास था